खिलाफ बोले, खास करके मेरे खिलाफ होंगे, तो पब्लिसिटी मिलती है तो लो पब्लिसिटी, आराम करो, बहुत करो, हमको तो रक्ति भर कुछ लगता ही नहीं। कोई भी आराम शराब बोलता बोलो, आराम शराब हमको कोई लेना देना नहीं, तुमको हमारे खिलाफ बोलने से तुमको फायदा है भाई, हम आपको शुभकामना देते हैं। मतलब है लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में काम करना। तो इसलिए आप सब लोगों से ये अपील करें, इन विचार और उसके आधार पर जो काम उस पर नजर रखते हुए सब लोगों से बातचीत करिएगा। सत्ता का जो एक होता है सुख लेना चाहते हैं, क्या नहीं बहुत लोगों के मन में रहता है, और हम लोगों के मन में सत्ता का मतलब है सेवा। प्रेरणा है हमारे जितने नेता है इन लोगों की प्रेरणा है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इन्हीं की प्रेरणा है कि लोगों की सेवा करो। और हम बार बार कहते हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, और हम बार बार कहते हैं जो सोशल मीडिया जो आया है ना, एकदम एंटी सोशल इसमें काम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग एंटी सोशल करते हैं, लेकिन बहुत लोग इसमें एंटी सोशल काम करते हैं। बिना वजह अनाप शनाप लिखना, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, कैसी भाषा का प्रयोग, कितने गंदी चीजों को दिखाना, अब यह तो काम है लोगों का विभिन्न स्तर पर इन सब चीजों को देखना कि लोगों को प्रेरित करें। अरे जब तक मन में सकारात्मक रूप नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सकारात्मक रूप बनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं इस बार तो कोरोना का जो दौर चला, स्कूल बंद, सबके बंद, तो कम उम्र के बच्चे बच्चों को भी उसी पर। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब उसके चलते लोग अपने परिवार में भी माता पिता का भी ध्यान नहीं, वरना देखिए क्या होता है, घर से निकल पाते थे शर्म होते, लेकिन जो कम उम्र के बच्चों को क्या मालूम, सड़कें नहीं थी, क्या बुरा हाल था। तो इन सब चीजों को उनको जानकारी नहीं जो बाद में जन्म लिए और जो भी हुए किसी ने बताया नहीं। हम तो यही कहेंगे कि भाई एक एक चीज को बताना चाहिए। और दूसरे भी समाज कैसे तरक्की कर रहा है, समाज कैसे आगे बढ़ रहा है, और एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का भाव रहेगा, सद्भावना का वातावरण रहेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा।